नमस्कार दोस्तों, SRE ऑनलाइन आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने सोचा था कि आपके लिए हम लाइव वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन समय नहीं मिल पाया, इसलिए हम ये अपलोडेड वीडियो आपके लिए जारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके हमारे पर ढेर सारे कमेंट आए और उसके बाद ही हम ये यहाँ पर वीडियो जारी कर रहे हैं, तो उनमें से आपके जो मेन क्वेश्चन थे कि स्कोर कार्ड कब तक जारी होंगे, कॉमन मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, बाकी के रिजल्ट कब जारी होंगे, आप अपने मार्क्स कैसे देख पाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आपके जो ढेर सारे सवाल थे आज वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको दिल्ली मेट्रो की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होगी, साथ ही साथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल वैकेंसीज की अपडेट प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने रिजल्ट में देखा था, दिल्ली मेट्रो ने लिखा था कि 14 दिन के भीतर आप अपना स्कोर कार्ड देख पाएंगे और साथ ही साथ आप अपना फाइनल आंसर की भी उसमें रहेगी, साथ ही साथ दोस्तों आपको कॉमन मेरिट लिस्ट भी 14 दिन के भीतर देखने को मिलेगी। कॉमन मेरिट लिस्ट का दोस्तों, कॉमन मेरिट लिस्ट से मतलब ये है, क्योंकि कॉमन मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था उन सभी का डिटेल्स होगा, और दोस्तों उनमें आप देख पाएंगे कि किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं और उसको कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जारी करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली मेट्रो ने कहा था विद इन 14 डेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 दिनों के अंदर आप अपने अकाउंट में, जो आपने एक अकाउंट क्रिएट किया था जब आपने दिल्ली मेट्रो का फॉर्म भरा था, तो उसमें जाकर आप देख सकेंगे अपने मार्क्स, आपकी आपने फाइनल आंसर की जो आपने अप्लाई किया था, और उसके साथ साथ दोस्तों अपना स्कोर कार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दोस्तों बाकी के रिजल्ट कब तक जारी होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दिल्ली मेट्रो अब कंटिन्यूसली रिजल्ट जारी कर रहा है, क्योंकि जब वैकेंसी रिड्यूस हो जाती है तो उसके पास मैक्सिमम टाइम मिल जाता है, क्योंकि उन्हें कम पोस्ट का रिजल्ट जारी करना होता है। और दोस्तों, जब कम पोस्ट का रिजल्ट जारी करना होता है, जैसा कि हमें पता है दिल्ली मेट्रो ने पहले रिजल्ट जारी नहीं किए थे, लेकिन अब कंसेक्यूटिवली आपने देखा है फ्राइडे को रिजल्ट आया और उसके बाद मंडे को रिजल्ट आया, तो दोस्तों कहीं ना कहीं दिल्ली मेट्रो अब फास्टली वर्क कर रहा है और जल्द से जल्द यहाँ पर दिल्ली मेट्रो अब ज्वाइनिंग के लिए भी तैयारी कर रहा है। और दोस्तों, अब आपके मार्क्स के लिए भी, कॉमन मेरिट लिस्ट के लिए, स्कोर कार्ड के लिए मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ CRA के रिगार्डिंग, के जो CRA कैंडिडेट्स हैं हमसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर CRA का रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं CRA के लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि अब जल्दी CRA का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे जैसे सारी वैकेंसी जब पूरी हो जाएंगी तो लगभग शायद DMRC दिल्ली ये CRA का रिजल्ट भी जारी कर ही देगा। अब ये श्योरिटी है दोस्तों कि रिजल्ट रिवाइज होकर आएगा, आपको नया रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो वैकेंसी थी पहले वो वैकेंसी शायद आपको देखने को ना मिले, क्योंकि जब तक सभी की पोस्ट रिवाइज की है, हो सकता है दिल्ली मेट्रो CRA की पोस्ट भी रिवाइज करेगा। आई होप कि दिल्ली मेट्रो जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे, ताकि जितने भी CRA कैंडिडेट्स हैं उन तक एक गुड न्यूज़ पहुँच सके। और दोस्तों, मैं भी आपसे एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दिल्ली मेट्रो से इतना होप ना रखें कि वो सभी पोस्ट पर रिजल्ट जारी कर देगा, क्योंकि हो सकता है दिल्ली मेट्रो पैनल वाइज रिजल्ट जारी करे, जिनमें जो 350 प्लस वैकेंसी थी उसमें से शायद 50 या 100 लोगों का ही रिजल्ट जारी करे और उसके बाद रिजल्ट वेट में डाल देगा, क्योंकि जैसा कि हम अन्य पोस्ट में देखते जा रहे हैं दिल्ली मेट्रो ऐसा ही कर रहा है। तो आप दिल्ली मेट्रो से ज़्यादा उम्मीद ना रखें। यदि दोस्तों आपको और भी किसी भी प्रकार के डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप अपने मार्क्स कैसे देख पाएंगे, आप अकाउंट में लॉगिन कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आप स्कोर कार्ड कैसे देख पाओगे, उसमें पूरी मेथड दी गई है कि आप कैसे स्कोर कार्ड देख पाओगे। तो दोस्तों, वहाँ से आप इजीली अपना स्कोर कार्ड देख पाओगे। यदि आपको उसमें भी कोई डाउट है, हमारी ईमेल आईडी आपके पास है, आप ईमेल आईडी के थ्रू अपना आईडी नंबर प्लस पासवर्ड हमें शेयर कीजिएगा, हम आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड करके आपको मेल कर देंगे। दोस्तों, यदि और भी किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो बेझिझक आप हमें कमेंट लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप इजी टू और फील आप आसानी से हमसे बात कर सकेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, कोई सुझाव है या कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही,
आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से दोस्तों हम यहाँ तक आपके लिए कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक ज़रूर करना, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, जिसमें आपको लेटेस्ट और न्यू 100% जेन्यून टेक्निकल नॉन टेक्निकल अपडेट प्राप्त हो सके और साथ ही साथ जेन्यून DMRC अपडेट आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।